बनाना हो कभी भी एक्सपेक्ट मत करना एनसीईआरटी पढ़ के तुम मेंस एडवांस क्लियर कर सकते हो, नहीं हो सकता यार, रियली होता है यार। आईआईटी 15,000 लोगों का होता है और हर साल होता है, बस करनी पड़ती है मेहनत यार। अब तो मैं ये बात चैलेंज से कह सकता हूँ कि ऐसी वीडियो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस अकेली वीडियो में तुम्हें मिलने वाला है पूरा फुल 2 ईयर्स प्लान ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th टू क्रैक आईआईटी जेईई। एंड ये कोई टॉपर्स इंटरव्यू नहीं है, कोई पॉडकास्ट नहीं, कुछ बातचीत नहीं हो रही हमारे बीच। मैंने प्रॉपर क्वेश्चंस बना के भेजा, सेट ऑफ क्वेश्चंस कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं यार हमारे दिमाग में अभी 10th से 11th में गए हैं, फिर 11th की प्रिपरेशन में, फिर 12th की प्रिपरेशन, फिर 12th के बाद जो थोड़ा सा टाइम रहता है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस विथ प्रॉपर रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस कि जो मिस्टेक खुद आईआईटीएन ने की अपनी जर्नी में वो मिस्टेक तुम ना करो, और जो जो उन्होंने किया, जो मैजिक ट्रिक्स आईआईटीएन आकाश रमावत ने यूज़ की जिससे उनका सिलेक्शन एक ही बार में हो गया आईआईटी रुड़की में, वैसे तुम भी कर सकते हो। और टॉपर, हेलो एवरीवन, सो मैं हूं आकाश रमावत एंड मैंने पिछले साल आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया था एंड मैं करंटली आईआईटी रुड़की में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूं। क्या हाल चाल यार। देखो, जब एक बच्चा क्लास 10th से 11th में जाता है तो उसे सच में सिलेबस का पूरा रियलाइजेशन नहीं होता है कि 11th 12th में हमें जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, 11th 12th के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में जो रखा है, क्या वही जेई एडवांस और जेई मेंस का सिलेबस है? देखो यार, सिलेबस सेम ही रहता है, मतलब एनसीईआरटी में होता है 11th 12th का, वही आता है जेई में, जेई मेंस और एडवांस में सिलेबस, बट वो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी में बस ऊपर से एकदम शैलो रहता है एंड जो मेंस एडवांस में है उसमें थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए होती रहती है ताकि तुम क्वेश्चंस कर पाओ। क्या एनसीईआरटी से ज्यादा आएगा? बट हमारे स्कूल में तो सिर्फ एनसीईआरटी चल रहा होता है, और अभी स्कूल वालों ने तो परेशान कर दिया है, ऑनलाइन क्लासेस, ये क्लासेस, वो क्लासेस, तो क्या स्कूल की क्लासेस भी करना उतना ही ज़्यादा नेसेसरी है? तो यार बिल्कुल नेसेसरी नहीं है स्कूल की क्लासेस अटेंड करना, और मैं रिकमेंड करूँगा कि करना भी मत। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी आईआईटी की प्रिपरेशन में ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग जहाँ से भी तुम कर रहे हो वहाँ पे तुम्हें इतना पढ़ा देंगे कि ये चीज़ तुम्हें बहुत हल्की लगेगी और तुम्हारे मतलब कि अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, एंड कोई क्लासेस अटेंड ना करके स्कूल की तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि वो तुम पहले ही पढ़ चुके होगे आईआईटी की प्रिपरेशन में। ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मतलब भैया कौन सा इंस्टीट्यूट हमें चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऑनलाइन ही लेना पड़ रहा है, अभी कोविड सिचुएशंस हैं ऐसी। तो यार मेरे हिसाब से तुम्हें वहीं से उसी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करनी चाहिए जहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। फर्स्ट है कि वो जो भी तुम्हें हर सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हो उसमें इंटरेस्ट आ रहा हो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में, एंड सेकंड थिंग है कि वो जो भी क्वेश्चंस करा रहे हो उनका लेवल एडवांस तक का लेवल हो, एडवांस मेंस तक का लेवल, मतलब एनसीईआरटी तक का लेवल नहीं होना चाहिए, एडवांस तक का लेवल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो तुम कहीं पे भी पढ़ सकती हो, चाहे तुम्हारा वो लोकल ट्यूशंस हो या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग हो या फिर कोई एक ब्रांडेड जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, बट ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मिनिमम। अच्छा अच्छा, समझ गया। अच्छा भैया, फिर उसके बाद ऑनलाइन लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन लेना चाहिए? क्योंकि ऑनलाइन में ये फ़ायदा होता है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन में एक्सपीरियंस टीचर्स मिल जाते हैं, अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, बट ऑफलाइन में बड़ी फील आती है, लेकिन इस साल तो ऑनलाइन ही लेना पड़ रहा है भैया कोविड की वजह से, तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? तो यार मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम्हारा दोनों में टाई हो रहा हो कि यार ऑनलाइन भी अच्छे टीचर्स लग रहे हैं, ऑफलाइन भी अच्छे लग रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम ऑफलाइन सीखने जाओ, ऑफलाइन पढ़ने जाओ। ऑफलाइन पढ़ने के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं जो ऑनलाइन में नहीं है। ऑनलाइन में सारी क्लासेस बोरिंग हो जाती है और पढ़ने का मन नहीं करता और इतना अच्छे प्रिपरेशन भी नहीं होती। तो अगर दोनों में टाई हो रहा है तो आई वुड रिकमेंड कि ऑफलाइन स्टडी करो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ऑनलाइन में कुछ तुम्हें एक्सपीरियंस टीचर्स मिल रहे हैं जो कि मिल जाते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, तो अगर तुम्हें एक्सपीरियंस टीचर मिल रहे हैं और उनसे पढ़ने में तुम्हारा इंटरेस्ट भी आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि उनसे पढ़ के तुम्हारी जेई प्रिपरेशन अच्छी जा सकती है, तो तुम ऑनलाइन भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इन दोनों में तब तक मैटर फर्क वगैरह नहीं पड़ेगा जब तक तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है। अगर जहाँ पे भी तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है तुम वहाँ से ही कोचिंग करो, वहाँ से ही पढ़ाई करो जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, और अगर दोनों में टाई हो रहा है तो ऑफलाइन में ही जाना। ओके ओके, तो इतना कुछ बता दिया है भैया, बुक्स भी बता दो कि कौन सी बुक्स करें, या फिर बुक्स करें या कोचिंग मटेरियल करें। कोई कहता है बुक्स करो, कोई कहता है कोचिंग मटेरियल, कोई कहता है दोनों करो, तो भैया आप ही बता दो कि करें तो करें क्या, व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन? मैं ये कहूंगा कि तुम्हें वही बुक्स यूज करनी है। अगर तुम कोचिंग में हो तो तुम्हें कोचिंग मटेरियल यूज करना है, कोचिंग मटेरियल सॉल्व कर लोगे देन तुम्हारे लिए मोर देन इनफ हो जाता है। बट फिर भी अगर तुम्हें प्रिपरेशन चाहिए तो तुम एक रेप्यूटेड ऑथर्स की बुक यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत,
उतना में हो जाता है मोर देन इनफ आईआईटी के लिए। एंड अगर तुम कोचिंग में एनरोल नहीं हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि रेप्यूटेड बुक्स हैं जो ऑथर्स की जेई के लिए होती है उनको तो करोगे, तब भी तुम्हारी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है। बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी को तुम तभी यूज करो जब तुम्हारा वो चैप्टर वीक हो या फिर तुम्हें उसका बेसिक बनाना हो। कभी भी एक्सपेक्ट मत करना एनसीईआरटी पढ़ के तुम मेंस एडवांस क्लियर कर सकते हो, नहीं हो सकता यार रियली। तो ये मिथ होती है बच्चों के बीच में कि एनसीईआरटी से हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता। तो एनसीईआरटी के साथ में तुम्हें या तो कोचिंग मटेरियल करना पड़ेगा या फिर कोई एक रेप्यूटेड बुक जो अच्छे ऑथर्स की है जेई के लिए वो करनी पड़ेगी। यार ये वाला क्वेश्चन हमने अपने नीट टॉपर से भी पूछा था, जो जिसने नहीं देखी वो नीट टॉपर वाली वीडियो तुम देख सकते हो। ऑफकोर्स देखो, सबका यही कहना है कि यार कोचिंग मटेरियल अच्छा होता है, मॉडिफाइड होता है। तो कोचिंग मटेरियल अगर तुम्हें खरीदना है तो एक लिंक मैं सेकंड हैंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे तुम आसानी से कम पैसे में अच्छा मटेरियल खरीद सकते हो किसी भी कोचिंग का। और जो भी बुक्स आकाश ने रिकमेंड की ऑथर की बुक्स, उन सारी बुक्स की सब्जेक्ट वाइज लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो गो एंड चेक इट आउट। अब यार ये बुक्स वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, तो तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा अभी स्टार्टिंग में कि नोट्स कैसे बनाएं। देखो मैंने पहले बता रखा है क्लास नोट्स अलग होता है, रिवीजन नोट्स अलग होता है, और प्रिपरेशन के नोट्स एट द एंड जो बनते हैं वो अलग होते हैं। तो वैसे प्रिपरेशन के अच्छे कोटा के नोट्स, अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, हम मंगवा के काफ़ी कुछ बनवाने वाले हैं उससे मॉडिफाई करवा के, तो वो तुम्हें मिलने वाला। और नोट्स पर एक वीडियो आने वाली है बस जल्द ही, हाउ टू मेक नोट्स फॉर IIT JEE preparations, तो प्लीज नोटिफिकेशन वाली घंटी जल्दी से छेड़ दो ताकि तुम्हें सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा भैया अच्छा, इतना कुछ ले लेंगे, बुक्स ले लेंगे, मॉड्यूल जो भी कहा आपने सब ले लेंगे, बट टाइम कैसे डिवाइड करें, क्योंकि अब सारा सब्जेक्ट तो हमें पढ़ने का मन करता नहीं है, कुछ सब्जेक्ट हमें पढ़ने का मन करते हैं, कुछ सब्जेक्ट हमें पढ़ने का मन नहीं करता है। सारा सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें कि JEE की अच्छी सी तैयारी हमारी, अच्छी प्रिपरेशन हो जाए 2 साल में। सो यार टाइम डिवाइड करने के लिए सब्जेक्ट्स के बीच में मैं कहूंगा कि जो तुम्हारा सबसे इंटरेस्टिंग या फिर सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको तुम 45% टाइम दो अपनी प्रिपरेशन का, सेल्फ स्टडी का। जो तुम्हारा सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट है उसको तुम 30% टाइम दो, एंड जो तुम्हारा लीस्ट फेवरेट है उसको 25% टाइम दो। एंड ये इस टाइम में इसलिए डेवलप किया है क्योंकि ये मैंने सबसे पहले 2 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ डेवलप किया है ये स्ट्रैटेजी टाइम डिवाइड करने के लिए। एंड ये इसलिए किए क्योंकि जो तुम्हारा सबसे स्ट्रांग चैप्टर है, स्ट्रांग सब्जेक्ट है, उनमें अगर तुम ज्यादा टाइम दोगे दैट मीन्स तुम उसमें ग्रोथ करोगे। और यार IIT निकालने के लिए सिर्फ 40% ही होते हैं यार, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि कितना हार्ड होता है, कितना टफ होता है पेपर, तो 40% निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड 40% निकालने के लिए तुम्हें तभी आ सकते हो मार्क्स जब तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स भी बहुत अच्छे हो, यानी कि तुम्हें अभी फोकस करना है पूरी प्रिपरेशन में अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे, यानी कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे अच्छे से और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे ऐसी ग्रिप हो जानी चाहिए कि उनमें से क्वेश्चन आए तो वो कर दें। तो डैट मीन्स तुम्हें ये रूल फॉलो करना है 45, 30 and 25%। अरे वाह गुड आइडिया, थैंक यू भैया, क्या मस्त आइडिया दिया आपने, JEE एडवांस की भी तैयारी हो जाएगी अगर हम अपने बेस्ट यानी कि हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स को भी नहीं छोड़ना है। अब देखो आगे, शुड वी फोकस ऑन मेंस एंड एडवांस एट द सेम टाइम? तो यार मेंस और एडवांस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल तुम बेसमेंट में हो एक बिल्डिंग के, और JEE एडवांस को मान लो सेकंड फ्लोर, JEE मेंस को मान लो फर्स्ट फ्लोर। अब तुम्हें सेकंड फ्लोर तक पहुंचना है तो तुम फर्स्ट फ्लोर को क्रॉस तो करके जाओगे ना, तो यही होता है मेंस एडवांस का। मतलब कि अगर तुम्हें एडवांस के लिए प्रिपेयर करोगे तो मेंस की अपने आप ही प्रिपरेशन होती रहेगी। एडवांस एक मान लो एक बड़ा है, मतलब ये एक बड़ा पार्ट है और मेंस उसका एक छोटा सा पार्ट है, समझ रहे हो? यानी कि मेंस के जो क्वेश्चन है वो थोड़े एडवांस से इजी होते हैं, तो तुम एकदम सबसे टफेस्ट पार्ट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो इजी वाला पार्ट है वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि यार एडवांस का मेंस का सिलेबस अलग है, नहीं यार एडवांस मेंस का सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है वो तुम्हें 12th में पता चल जाएगा अपने आप, बट पूरा प्रिपरेशन सेम है। और कोशिश करो कि पूरे टाइम अपनी प्रिपरेशन एडवांस में फोकस करो, क्योंकि JEE एडवांस को क्लियर करके ही IIT मिलती है, JEE मेंस को क्लियर करके सिर्फ NITs मिलती है। अच्छा भैया, हमने जब अपने सीनियर से पूछा कि 11th का सिलेबस कब तक करें, ये कब करें, वो कब, सारे 11th वाले बोल रहे हैं कि यार 11th का सिलेबस इतना बड़ा होता है कि हमारा तो छूट गया सिलेबस, हमारा तो बैकलॉग आ गया है। तो भैया ऐसे कोई स्ट्रेटजी बता दो कि हमारे बैकलॉग्स ना बने, हमारा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाए 11th का। तो यार बैकलॉग्स पे मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हें कोशिश करनी कि बैकलॉग्स आए नहीं तुम्हारे, बैकलॉग्स आर द वर्स्ट थिंग यू वांट। मतलब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्लास में अटेंटिव रहना है, सेकंड थिंग रेगुलर रहना है, सारा होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहना है, इससे बैकलॉग्स बनेंगे नहीं।
कोशिश करना कि बैकलॉग्स ना के बराबर है, क्योंकि आगे की स्टडीज थोड़ी ज्यादा बढ़ती जाएगी, काम तुम्हारा वर्कलोड बढ़ता जाएगा, तो बैकलॉग्स क्लियर करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। तो शुरुआत में तुम्हारा इजी रहेगा इलेवंथ का स्टार्टिंग, तो कोशिश करना जल्दी से जल्दी करते रहो और बैकलॉग्स बने ही ना। एंड इन इफ एनी केस अगर तुम्हारे बन रहे हैं बैकलॉग्स, तो कोशिश करना कि देखो क्या होता है कि क्लासेस वगैरह वीकेंड्स पे नहीं होती, तो तुम सैटरडे संडेज को ऐसा कर सकते हो कि बैकलॉग्स का वो टाइम लगा लो और बैकलॉग्स उस टाइम पे क्लियर करो। एंड बात करें रिवीजन की, फॉर एग्जांपल अगर 12th में आ गए और 11th का रिवाइज करना है, या फिर 11th के एंड तक आ चुके हो और 11th की स्टार्टिंग का रिवाइज करना है, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि हर डे वीकडेज के अंदर भी थोड़ा सा टाइम अपना रिवीजन के लिए एलोकेट करो, थोड़ा सा टाइम, ताकि वो पुराने चैप्टर्स तुम भूल ना जाओ, क्योंकि भूलते हैं रियली, बिलीव मी, तुम 2-3 महीने बाद ही भूल सकते हो। तो कोशिश करना कि वीकडेज के अंदर भी थोड़ा थोड़ा टाइम कुछ परसेंटेज तुम रिवीजन में दो, और वीकेंड्स तो दे ही सकते हो। मैं तुम तीनों को ठिकाने लगा के जाऊंगा। यार आई होप तुम्हें इस वीडियो से तुम्हारे सारे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, बट अब थोड़े से क्लास 12th के क्वेश्चन फिर वापस हम आ जाएंगे 2 ईयर्स प्लान पर। क्लास 12th का बस एक क्वेश्चन ये है कि भैया 12th में आ जाएगा बोर्ड्स, तो बोर्ड्स की कोई स्ट्रेटजी बता दो। तो यार बोर्ड्स की प्रेफरेंस तुम्हें बस 12th बोर्ड से जस्ट 1 महीने पहले देनी है। 1 महीने पहले तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना चालू करना है, उससे पहले नहीं करना, उसकी तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी है, क्योंकि जब तुम 2 साल जेईई मेंस और एडवांस आईआईटी की प्रिपरेशन करोगे तो बोर्ड्स का जितना भी सिलेबस है वो सारा इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाता है। एंड बोर्ड्स के सवाल थोड़े इजी लगेंगे तुम्हें, क्योंकि ये प्रिपरेशन करोगे। एंड 1 महीने पहले एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की करने से तुम्हारे हंसते खेलते हुए 90% आराम से आ सकते हैं, तो बोर्ड्स का तुम्हें कोई लोड लेना ही नहीं है। इस बात पे यार आई कम्प्लीटली अग्री, तुमने क्लास 10th बोर्ड्स की प्रिपरेशन की थी, उसी तरह यार 12th बोर्ड्स में भी कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो वही क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं, आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा अगर पूरे साल तुमने पढ़ा है। बट एक और क्वेश्चन भैया, एक और क्वेश्चन कि 12th बोर्ड्स के बाद जो हमें टाइम मिलता है, कुछ टाइम जो हमारे पास रहता है 1-2 महीने का, उसमें हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने आईआईटी जेईई के लिए, क्योंकि तब बोर्ड्स खत्म हो चुका होगा, हमारे पास टाइम होगा, फुल फोकस रहेगा जेईई एडवांस पर, तो कैसे करना है प्रिपेयर उसके लिए? तो यार जैसे तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम खत्म होते हैं तब तुम्हें फुल ऑन लग जाना है जेईई मेंस और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, मतलब फिर तो तुम्हें रुकना ही नहीं, क्योंकि फिर तुम्हारे बोर्ड्स का झंझट हट जाएगा 12th का, तो तुम एकदम फुल ऑन जा सकते हो, तुम अच्छे से मेहनत कर सकते हो, अच्छे से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लगा सकते हो, और यही बात तुम जेईई मेंस के बाद कर सकते हो। जैसे तुम्हारे जेईई मेंस चारों ओवर हो जाएंगे तो तुम जेईई एडवांस के लिए एकदम अच्छे से मेहनत कर सकते हो, क्योंकि जेईई एडवांस में क्या है, थोड़े अच्छे डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में रिलेटिवली इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो अगर डिफिकल्टी लेवल वाइज सॉर्ट करना हो तो बोर्ड्स यहाँ पे होंगे सबसे इजीएस्ट, फिर आएंगे जेईई मेंस थोड़े से हार्ड, फिर आएंगे जेईई एडवांस जिससे आईआईटी निकलती है। ये कूदने वाली स्ट्रेटजी मेरे को बेस्ट लगी इस वीडियो की, सच में अच्छी लगी यार। तो प्लीज लाइक टारगेट पूरा कर देना यार तुम लोग 5000 लाइक्स का। अब आगे बात करते हैं यार अगला क्वेश्चन, या फिर कह लो बस लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये, इसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कि व्हाई जेईई मेंस इज नाउ कंडक्टेड 4 टाइम्स, यानी कि 4 बार जेईई मेंस कंडक्ट करने का क्या फायदा है एज फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव? तो यार जेईई मेंस 4 टाइम्स कंडक्ट करने के 2 फायदे हैं। सबसे पहला है कि तुम्हारे 4 टाइम्स में से एक बार भी अगर बिगड़ जाए किसी भी रीजन से, या फिर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो, तो तुम बाकी अच्छे कर सकते हो। एंड सेकंड बेनिफिट है कि 4 मेंस होने से तुम अपनी प्रोग्रेस रिकॉर्ड कर सकते हो कि तुम्हारे कितनी प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि हर मंथ ये एग्जाम्स होंगे जेईई मेंस के 4, जब तुम्हारी 2 साल की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, एंड तब उस प्रिपरेशन के बाद तुम अपनी प्रोग्रेस देख सकते हो कि हर मेंस के बाद तुम्हारा कितना इंप्रूवमेंट हो रही है। अच्छा भैया अभी तो आप आईआईटी में सिलेक्ट हो गए हो, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ऑफ 2 ईयर्स दे दो कि क्या होना चाहिए हमारा मूल मंत्र बेसिक, और उसके बाद क्या होने वाला है 2 साल के बाद, यानी कि ये 2 साल की जर्नी का एक शॉर्ट ओवरव्यू। तो यार तुम्हारे ये 2 साल सबसे अलग होने वाले हैं अभी तक जिंदगी के, क्योंकि इन 2 साल में तुम इतनी मेहनत करोगे और इतना ग्रो कर चुके होगे 2 साल के बाद कि तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, एंड अगर अच्छे से प्रिपरेशन की है तो तुम्हें अपनी अच्छी लाइफ बन जाएगी, तुम इतनी मेहनत कर चुके होगे कि तुम्हें खुद पे बिलीफ आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड 2 साल मेहनत करने के बाद जब आईआईटी मिलती है उसकी फील होती है वो अलग ही होती है, क्योंकि आईआईटी में जाके तुम्हारे इतने मजे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कंपेरिजन करना चाहूंगा कि जो लोग मेहनत नहीं करते हैं तो उनका क्या होता है, यार 2 साल मेहनत नहीं की और 4 साल वो एक अच्छे कॉलेज में नहीं जाते, तो उन्हें 4 साल मेहनत करनी पड़ती है प्लेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा, और अगर तुमने अच्छे से मेहनत कर ली 2 ईयर्स की प्रिपरेशन में तो तुम्हें आईआईटी मिलेगी और 4 साल तुम्हारी चिल लाइफ है, एंजॉय कर सकते हो कॉलेज लाइफ में। एकेडमिक्स के साथ आईआईटीएंस 10-15 और चीजें में घसे रहते हैं और 10-15 चीजें और करते रहते हैं आईआईटीएंस,
तो एक अच्छी चिल लाइफ मिलेगी एंड एक अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, तो तुम्हारे एक फ्यूचर को एक हेड स्टार्ट मिलेगी। एंड बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं जहां पे आईआईटीएंस को एक बेनिफिट मिलता है, एक हेड स्टार्ट मिलती है, तो तुम्हें एक अलग ही फील होगी आईआईटी में आने की। और ये 2 ईयर्स की जो प्रिपरेशन है वो वर्थ इट होगी। एक एक सेकेंड, एक एक टाइम, एक एक मिनट तुम्हारा दिया हुआ आईआईटी की प्रिपरेशन में, वो सारी चीज वर्थ इट होगी। तुम्हें 2 साल बाद जो आईआईटी मिलेगी उसकी फील ही अलग होती है। थैंक यू यार, एट द एंड बी पॉजिटिव एंड यस ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। यार अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो शेयर कर देना सारे आईआईटी एस्पिरेंट्स के साथ ताकि उनका टाइम सेव हो। और फिर जाना, जा पढ़ ले।